नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। मित्र, आप सभी के लिए ये गाइस जो सेट है ये शुरू हो चुका है, और ये जो सेट है मेरे प्यारे भैया, ये आपका जो है ये कल के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। कल के लिए यानी कि कल 16 अक्टूबर के लिए, चाहे आप प्रथम पाली का एग्ज़ाम दे रहे हो या गाइस आप द्वितीय पाली का एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी गाइस आपका पाली में एग्ज़ाम हो तो भी आपके लिए ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और एक बात आपको और बता दें कि अगर आप तक हमारी आवाज़ जो है ये गाइस थोड़ी मोटी सी जा रही हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, गला बैठ गया है क्लास लेते लेते। तो मित्र, ये मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ये गला जो हमारा बैठा है ये आपके कारण ही बैठा है। हालांकि गाइस इसमें कारण आपका नहीं है, इसमें गाइस कहा जाए तो कारण हमारा ही है। मैं जो तेज़ बोल रहा था ताकि आप तक आवाज़ सही जाए, और अब तो गाइस तेज़ बोलने लायक भी नहीं रह गया हूँ। तो मित्र, चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेट का। कीमती समय है आपका, खर्च बिल्कुल भी आपको गाइज अलग जगह नहीं करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि बुलंद दरवाजा जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया था। देखो, जो आज आपके क्वेश्चन आए हैं ना, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन मुझे लगे, बहुत ही लाजवाब। और जो गाइज आपका वो गाइज गद्यांश था ना, गाइज आपका वो मैंने पूरा का पूरा गद्यांश ही पढ़ाया था, पूरा गद्यांश ही छप गया है। जब मैं आपका गाइज 10 प्रैक्टिस सेट एक वीडियो में करवाया था, आपको याद होगा। अगर आपने नहीं पढ़ाया तो वो बात अलग है, लेकिन मैंने करवाया था मेरे प्यारे भाई, UPSSC पेट एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर आप जाकर के देख लीजिएगा, आप वीडियो को चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको गद्यांश मिल जाएगा। 100.1% है मित्र, वही गद्यांश पूरा छपा है, पूरा का पूरा वही गद्यांश छपा है। फर्स्ट गद्यांश तो आपका वही छपा है, दूसरा मैं नहीं पढ़ाया तो झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने गाइस दूसरा बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया। ठीक है, और पैसेज तो मैं आपका इंग्लिश में पढ़वाता भी नहीं था, मैं इंग्लिश में आपका गाइस पैसेज भी नहीं पढ़ता था, है ना। तो वो तो गाइस कोई बात ही नहीं है, लेकिन गद्यांश मैं आपका कभी कभी करवाता था, तो ऊपर वाले की दया से गद्यांश आपका आ गया है। बुलंद दरवाजा जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया, सही आंसर हो जाएगा आपका अकबर द्वारा। किसके द्वारा? अकबर द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? जल्दी से आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 2, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा अबुल फजल। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, अकबरनामा के जो प्रसिद्ध लेखक हैं ये कौन है? अबुल फजल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा प्रांत, दूसरा प्रांत यानी कि गाइस कहा जाए तो दूसरा राज्य हो जाएगा आपका मेरे मित्र, आपका मैसूर जो है ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई? वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा रंगून। कहां है इनकी मृत्यु हुई थी? रंगून में, ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला, वैदिक देवता इंद्र जो हैं ये किसके देवता हैं? वैदिक देवता इंद्र जो हैं ये किसके देवता हैं? क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से आंसर देंगे हमारे सभी मित्र। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, जो गाइस इंद्र हैं ये किसके देवता हैं? वर्षा या फिर चक्रवात के, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी का 11 सूत्रीय चेतावनी पत्र दिया गया था, इन चेतावनी के संदर्भ में क्या सही है? अब यहाँ पर आप देख लो गाइस क्या सही है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 पूरा देखने के बाद आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलो इसके लिए 4-5 सेकंड का आप समय ले लो, इस पर आप अभी ध्यान दीजिएगा, अभी तो आपका गाइस आगे आएगा, तो जल्दी से आंसर दीजिए। पहले, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का जो 11 सूत्रीय चेतावनी पत्र दिया गया था, इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है आपसे पूछा जा रहा है? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लीज़ जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया मेरे मित्र, बहुत गजब है। यहाँ पर देखो, इसमें गाइस कहा गया था कि भू राजस्व में 50% की कमी करना और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, ये उनकी 11 सूत्रीय मांगों में सही है। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्र आपका? 2 और 3 यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। गाइस जी, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है, कुछ कहा नहीं जाता है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, इसको आप रट लीजिएगा। चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, ये चौरी चौरा की घटना जो है ये कहाँ पर घटित हुई, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, सही आंसर हो जाएगा आपका गोरखपुर में है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, कि दी स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ के लेखक कौन है?
गाइस देखो, कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे केवल और केवल इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे मोहनदास करमचंद गांधी, या गाइस कहा जाए तो एमके गांधी। और कभी कभी आपको ये क्वेश्चन जो ये पूरा का पूरा मिलेगा, यानी द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो गाइस जब इस प्रकार मुझसे मिलेगा तब भी आप कहेंगे कि महात्मा गांधी ही हैं, और जब गाइस आपको मिलेगा कि एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ तब भी आप कहेंगे महात्मा गांधी ही हैं। ठीक है, आगे मुक्त भारत समाज की स्थापना जो है ये किसने की, मुक्त भारत समाज की स्थापना जो है किसने की। सही आंसर हो जाएगा वीर सावरकर ने, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओ सॉरी, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे। ये गाइज आपका बार बार सेट में आ रहा है, क्या पता कल क्वेश्चन में ना आ जाए। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, जब बंगाल का विभाजन हो रहा था तो उसमें बंगाल के विभाजन के दौरान जो वायसराय थे भारत के वो कौन थे, ये पूछा जा रहा है भैया, वो कौन थे, करजन थे। ठीक है, लाड शब्द बिल्कुल भी ना लगाइए, मुझे गाइस लाड शब्द देखने से ही गुस्सा आ रहा है, क्योंकि लाड का मतलब समझते हो क्या होता है, मैंने गाइस आपको बताया फिर भी बता रहा हूँ, लाड का मतलब समझते हो, लाड का मतलब होता है स्वामी, और स्वामी का मतलब ईश्वर है ना, तो ईश्वर तो थे नहीं थे ना, तो करजन केवल आप कहा करो, राइट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। कब हुआ, 1905 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है, इसको आप यहाँ पर देखो, बहुत ही गजब का सेट है आपका ये गाइस, पूरा का पूरा सेट जो है ये बहुत ही गजब का है, पूरा आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है। देखो, जब बहुत तेज हवा चलती है तो कहते हैं देखो हमारी आंखों में कहीं बालू तो नहीं पड़ गया है, क्या कहते हैं, बालू, यानी बलुई मिट्टी जो होती है ये हल्की होती है। जब हवा तेज चलती है तो ये उड़ती है, और उड़ करके गई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के अपना ढेर बना लेती है। ये कौन सी मिट्टी होती है, बलुई मिट्टी होती है, कौन सी, बलुई। राइट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, बेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है किस देश में है। कहने का मतलब बेनिस जो है किस देश में है, 12 का आंसर आप बताएंगे। देखो, बेनिस जो है मित्र ये आपका ये इटली में है, कहाँ पर है, इटली में, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। सबसे अधिक वर्षा जो है ये कहाँ होती है, सबसे अधिक वर्षा जो है ये कहाँ होती है, विश्व की बात की जा रही है ना कि इंडिया की, इंडिया की बात की जाती तब तो आप गाइस तुरंत ही आंसर दे देते, हमसे क्या पूछा जा रहा है, विश्व की, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 मित्र, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले तो लाइक कर दो सभी मित्र, देख रहे हो कि गला बैठा हुआ है, लेकिन आप ऐसे मित्रों की क्लास को लाइक तक नहीं करते हो, जी जान शिद्दत आपके लिए लगा रहे हैं ना, तो गाइस इतनी तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, इतना तो आपका गाइस कम से कम फट जाएगी, कम से कम लाइक तो कर ही दिया करो। तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक तो करें कम से कम, प्लीज़ एक बार सभी पहले लाइक करो फिर आगे हम बढ़ेंगे। लाइक कर दो गाइस, आज बहुत रात तक आपका सेट चलेगा, क्योंकि कल सुबह आपका परीक्षा है, एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन फंसने वाले रखेंगे, कल शाम को आपकी परीक्षा है, बेहतर क्वेश्चन आपके रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को आपको रट के जाना है, ऊपर वाले की दुआ रही तो गाइस आपके क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। सबसे अधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है, अमेजन बेसिन में, ऑप्शन बी राइट होगा। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया, समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है, दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्रों की जो कुल संख्या है ये कितनी है, कितनी है, 24 है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जनसंख्या के आधार पर देशों की सूची में भारत की रैंक क्या है, जनसंख्या के आधार पर देशों की सूची में भारत की रैंक क्या है, यानी गाइस जनसंख्या के आधार पर भारत जो है किस स्थान पर आता है, दूसरे स्थान पर आता है, हालांकि अब तो गाइस लगभग पहला हो गया होगा, लेकिन अभी आप दूसरा ही कहेंगे क्योंकि अभी जनगणना नहीं हुई है, तो क्या हो जाएगा आपका, दूसरे स्थान पर, पहले ही पर आता है वो आपका आता है चीन। अगला, 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश था। जब 2017-18 चल रहा था तो उसमें दुनिया का कौन सा देश दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश था, ये पूछा जा रहा है आपसे, जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा भारत, भारत था, राइट हो जाएगा डियर आपका ऑप्शन नंबर बी, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन जो है ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी से आंसर देंगे, बिटकॉइन क्या है, फटाफट आंसर दीजिए भैया, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिटकॉइन क्या है। देखो टाइम नहीं है, इतना देर मत लगाओ, बिटकॉइन क्या है, बहुत बढ़िया, क्या है, बहुत बढ़िया गजब, क्या है, डिजिटल मुद्रा का एक रूप है, राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। अगला, किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लगता है कि ये क्वेश्चन गाइस आना था तो आ गया है, लेकिन क्या पता फिर आ जाए।
थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके आ जाए, जैसे द्वितीय पाली में आपका आज क्वेश्चन आया हुआ था, क्या आया हुआ था कि 14 बैंक, नहीं क्वेश्चन किया था कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था आज द्वितीय पाली में, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया था 14, 15, 7, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस अगर आपने पढ़ा रहा होगा तो आप मार सकते थे गाइस 14, है ना। तो देखो किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, किस वर्ष किया गया था, 1969 में। कब? 1969 में कितने बैंकों का किया गया था, तो 14 बैंकों का, ठीक है। अगला देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है ये किस वर्ष हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है ये किस वर्ष हुई, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप बताएंगे। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे मित्र, और लगता है कि कल के बाद मुझे थोड़ा सा, नहीं गई 2-3 दिन तो लगभग आराम करना ही पड़ेगा, गला बहुत ज़्यादा बैठ गया, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोई बात नहीं, दर्द हो रहा है होने दीजिए, बार बार एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिलता है, है ना। कहते हैं अगर हाथ से कुछ भी छूट जाता है तो दोबारा नहीं मिलता है, जैसे हाथ से अगर आप कोई पत्थर फेंको तो दोबारा पत्थर वापस नहीं आता है, तो इसी प्रकार मेरे मित्र हाथ से अगर ये एग्ज़ाम आपका निकल गया तो फिर एक वर्ष आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और एक वर्ष के बाद फिर आपके सामने पीईटी का गाइस एग्ज़ाम आएगा, तो फिर आप एग्ज़ाम देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना, बार बार एग्ज़ाम देने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा ना। इस तरीके से आप टारगेट रखिए कि एक बार एग्ज़ाम दो, एक बार के बाद गाइस जब भर्ती आए ना उसमें सिलेक्शन आपका हो जाए, एक सीट पर आपका कब्जा हो जाए, इस तरीके से आपका टारगेट होना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई, कब हुई, ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है, आपको ये बताना है कि केंद्र सरकार के विकास व्यय में क्या शामिल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 20, केंद्र सरकार के विकास व्यय में क्या शामिल नहीं है। देखो आर्थिक सेवाओं पर व्यय क्या शामिल है, बहुत बढ़िया शामिल है। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय क्या यह शामिल है, हाँ भैया ये भी शामिल है। राज्यों के लिए अनुदान क्या यह शामिल है, बहुत बढ़िया ये भी आपका शामिल है। रक्षा व्यय जो है ये केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है, ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो अब देखो संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी ये पूछा जा रहा है ना, बहुत बढ़िया गजब। देखो थी पूछा जा रहा है भैया ना, थी तो क्या गाइस कितनी थी, 15 थी। आगे बढ़े अगला देखो, 22 नंबर कहाँ गया, 22 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किसकी समानता का वचन देता है। भारतीय संविधान जो है ये अपने नागरिकों को गाइस हैसियत और अवसर की समानता का वचन देता है, हैसियत और अवसर की समानता का, राइट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। आगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक भाग में उल्लिखित है, ये गाइस किस में उल्लिखित है ये पूछा जा रहा है, राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया, राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा जो है ये कब आयोजित की गई। कुल मिलाकर के प्रश्न पूछने का मतलब ये है कि जो भारत में पहली लोकसभा आयोजित हुई ये कब आयोजित हुई, बताएंगे 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कब आयोजित हुई थी मेरे मित्र, वो हो जाएगा 13 मई 1952, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि पीडियाट्रिक्स जो है या किसके अध्ययन से संबंधित है, जो पीडियाट्रिक्स है ये किसके अध्ययन से संबंधित है, 26 का आंसर आप बताएंगे, या किसके अध्ययन से संबंधित है ये गाइस, जिस शिशु रोग से है, किससे है, शिशु रोग से संबंधित है, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं कि लिटमस बिलेन का एक बैगनी रंग का रंजक होता है जिसे किससे प्राप्त किया जाता है, यानी कि जो गाइस लिटमस का पत्र होता है यह हम किससे प्राप्त करते हैं, बताएंगे। थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके गाइस आज हम क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन मैंने देखा है कि पूछे जा रहे हैं, तो बताइए लिटमस बिलेन एक बैगनी रंग का रंजक होता है या जो है ये किससे प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, सॉरी मित्र, किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन, सही यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है, सागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है,
तो देखो गाइस, जो समुद्र की गहराई मापा जाता है ये फाइदोमीटर के द्वारा मापा जाता है। बैरोमीटर जो है गाइस, ये आपका वायु दाब से संबंधित है। याद रखिएगा, बैरोमीटर जो है ये वायु दाब से है, ठीक है। फाइदोमीटर जो है आपका सागर की गहराई मापा जाता है। बार जो है ये किसकी इकाई है, बताएंगे। बार जो है ये किसकी इकाई है, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए मेरे भैया। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखो, बार हो गया आपका, ये हो गया आपका वायुमंडलीय दाब की इकाई है। किसकी है? वायुमंडलीय दाब की। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कराएगा, यहाँ पर ही आपका गया है मैथ, ठीक है। मैथ यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ गाइस, केवल 5 क्वेश्चन आएंगे, तो इस पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जिससे मुझे ज़्यादा फायदा है, मैं उसी पर गाइस आज आपका ज़्यादा फोकस करवाऊँगा। तो हिंदी में आपका आ गया है कि इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, आपको बताना है कि इत्यादि में संधि कौन सी है। 36 का आंसर आप बताएंगे। अभी गाइस, आपकी क्लास लेने के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा कुछ मुझे गाइस चाय वगैरह पीना पड़ेगा, तभी मैं आपकी दूसरी क्लास ले पाऊँगा, क्योंकि गले में कुछ ज़्यादा ही खराश हो रही है गाइस, बहुत ही ज़्यादा गला सूख रहा है। तो बताएंगे इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, कौन सी है मित्र, बताएंगे राइट आंसर। इत्यादि में कौन सी संधि है, देखो इत्यादि इसमें संधि कौन सी है, यण है। कौन सी है? यण है। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने नाक का बाल होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है भैया, बता दो जल्दी से। नाक का बाल होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा अधिक प्रिय होना। क्या हो जाएगा? अधिक प्रिय होना। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक प्रिय होना। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके वह शब्द है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके उसे क्या कहते हैं, मतलब जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका गोचर। क्या हो जाएगा? गोचर। जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन बी गोचर, बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बाधा जो है ये कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बाधा कौन सा शब्द स्त्री, कौन सा शब्द? हाँ, क्वेश्चन कहने का मतलब ये है गाइस कि बाधा जो है ये कौन सा शब्द है। लगता है कि दिमाग अब बिल्कुल डिस्ट्रेस हो रहा है, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। बाधा कौन सा शब्द है, बताएंगे 39 का आंसर। देखो कहते हैं आज बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हुई। क्या कहते हैं? आज बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हुई जब मैं पेट की परीक्षा में जा रहा था, वहाँ पर भीड़ बहुत थी। समझते हो, भीड़ बहुत ज़्यादा है, पैर रखने की भी जगह नहीं है। एसी का जो कोच होता है ना, ट्रेन का एसी कोच, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। मैंने देखा उसमें ठूस ठूस कर भरे हुए हैं बच्चे, क्या करें, बेरोजगारी है। कहते हैं हाय रे बेरोजगारी, तो वही है मित्र, बेरोजगारी जो है ये क्या क्या करवा देती है कुछ पता नहीं है, है ना। इसीलिए कहते हैं जी जान शिद्दत के साथ लग जाओ। अगर आप गाइज किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, कोई भी एग्ज़ाम आपका हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मात्र आप 5 महीने तैयारी कर लो, चाहे गाइज आपका कोई भी एग्ज़ाम हो। यूपीएससी की बात नहीं करें, यूपीएससी तो गाइज आपका सिलेबस ही मैराथन है, लेकिन अगर आप उससे छोटे लेवल में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 5 महीने भी अगर आप जी जान शिद्दत के साथ लग जाएंगे, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन होने से रोक सके। किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन आपका होकर रहेगा। और मित्र 5 महीने अगर आप तैयारी कर लेंगे तो ये हाई रे बेज जो गाइज हाई रे बेरोजगारी वाला मैंने बोला शब्द ना, दोबारा आपको नहीं सुनना पड़ेगा, ठीक है। और अगर तैयारी नहीं किए, मेहनत करके पढ़ाई नहीं किए, तो फिर वही अगले बार फिर जाओगे। आपकी तो गाइज केवल और केवल आपके 37-38 लाख ही थे, और अगली बार जो आपका फॉर्म आएगा ना, जानते हो कितने पढ़ेंगे? लगभग 50 लाख से भी ज़्यादा पढ़ेंगे, समझ लो। अरे जो अभी की बार दिए हैं, पढ़ के नहीं दिए हैं, वो अगले बार तो फॉर्म डालेंगे। और कुछ तो नए तैयार भी हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा अगली बार, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बाधा उत्पन्न होती है, राइट क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, आपको बताना है। इसमें अश्व का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है, ध्यान दो। यहाँ पर आप घोड़ा, घोटक और हाय, ये अश्व का पर्यायवाची है। घोड़ा, घोटक और हाय, ये अश्व का पर्यायवाची है। लेकिन कटक जो है ये अश्व का पर्यायवाची नहीं है, राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। बाकी बचा यहाँ पर आप गाइस गद्यांश, मैं गद्यांश बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा। बाकी बचा यहाँ पर आपका गाइस 41-45 तक गद्यांश, तो वहीं 46-50 तक आपका पद्यांश। ना गद्यांश पढ़ूंगा ना पद्यांश पढ़ूंगा, टाइम आपका ही वेस्ट होगा, आपका नुकसान होगा, मेरा गाइस कुछ नहीं जाएगा। लेकिन गद्यांश कुछ भी यहाँ पर आपका गाइस सुटेबल नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि गद्यांश बहुत आसान होता है, आप पढ़ करके आंसर बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। बाकी यहाँ पर अंग्रेजी में आपका गाइस बचा पद्यांश, यानी जो आपका गाइस पैसेज है ये भी मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि आपका चाहे गद्यांश
चाहे पद्यांश हो चाहे अंग्रेजी में आपका पैसेज हो, आसान होता है, बहुत आसान होता है। छोटे छोटे बच्चे भी इसका आंसर ढूंढ करके दे देते हैं, तो आप तो बड़े हो, आप समझदार हो, आप तो इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं गाइस अपने कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन की तरफ। अगला आपसे क्या कह रहा है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। गजब का क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांस दिख रहे हैं कुछ कुछ। ठीक है, शक्ल से इसके लग रहा है, अब क्या पता ना आए, कुछ कहा भी नहीं जाता ना, कुछ पता थोड़ी है आए ना आए, बस केवल अपने गाइस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाते हैं। एक्सपेक्टेड कहने का मतलब समझते हो, मतलब ये हुआ कि एग्जाम में आने के हो सकता है कि आपके चांस बन रहे हो आ जाए। तो देखो, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, अरे ये तो बहुत लंबा चौड़ा है, गद्यांश थोड़ी है, गद्यांश तो नहीं है, नहीं गद्यांश तो नहीं है, लेकिन लग रहा है बड़ा लंबा चौड़ा। चलो पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या लिखा गया है, कौन सा इसमें गाइस लिखा गया है कहानी, देख लेते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में बताई जा रही है। कहने का मतलब है आप इस पंक्ति को पहले पढ़िए और बताना है कि ये कौन सी गाइस लोक नृत्य के बारे में कहा जा रहा है। देखो, यह संतुलन का एक कठिन कार्य है जहां पर्दे में एक महिला नर्तक लकड़ी के पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंप को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है। गीता मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए लिखे गए। हाँ, बहुत बढ़िया, आपने गाइस सुना होगा कि एक लड़की है पर्दे के पीछे अपने सर के ऊपर लकड़ी के घड़े के ऊपर 108 दिए या 108 दिए की जो लैंप है, तेल है, ये रखती है ना। तो ये गाइस किस नृत्य का प्रदर्शन किया जा रहा है, किस नृत्य की यहाँ पर व्याख्या की जा रही है, किस नृत्य की, बहुत बढ़िया भैया, किस नृत्य की हो जाएगा, चरकुला नृत्य, ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस वही कब मनाया जाता है, 72 जल्दी से आंसर देंगे, बहुत बढ़िया, कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को, बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। जो भी मित्र यहाँ पर बी आंसर बता रहे हैं, 25 जनवरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से नेक सेम पुस्तक के रचयिता कौन है, नेम सेम लिखा, नेम सेक, उल्टा पढ़ रहे हैं क्या बताएं, चलो नेम सेक पुस्तक के रचयिता कौन है, बताएंगे 73 नेम सेक पुस्तक, इसके रचयिता है झुंपा लाहिरी, कौन है, झुंपा लाहिरी। अगला, निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। हाँ, कहने का मतलब समझते हो क्या है, कहने का मतलब एक ही विषय में 2-2 बार नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, यहाँ पर जान बर्दीन को, सी आंसर आपका राइट होगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले देविका रानी को दिया गया और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये पूछा जा रहा है आपसे, किस क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ना ये किसे गाइस दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, सबसे पहले दिया गया था किसे, देविका रानी को, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। मित्र, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ आपको एक नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही कल आपका एग्ज़ाम हो आप गाइस अपने एग्ज़ाम को दे करके आपके अंदर की जो मुस्कुराहट है, आप गाइस उस मुस्कुराहट को बाहर गाइस बिखेरते हुए निकलें। तो मित्र, उसका एनालिसिस जो है वो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिले। तो प्लीज़ मित्र, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिए, एंड आने वाले कुछ ही समय में, यानी कहा जाए तो अभी घंटे डेढ़ घंटे बाद आपकी फिर से नई प्रैक्टिस क्लास होगी। गाइस, आज रात भर में मैं आपका 4-5 प्रैक्टिस करवा दूंगा, तो बहुत ही बेहतरीन आपके प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अंतिम समय में गाइस मैं जो भी आपका प्रैक्टिस करवाता हूं, जैसे गाइस मैंने जो आपकी कल प्रैक्टिस करवाई वो भगवान की इच्छा थी या ईश्वर की इच्छा थी, जो कुछ भी कहो, 4-5 क्वेश्चन आपके फंसे एग्जाम में, है ना, आपने रिवीजन किया या आपने पहले पढ़ा होगा, कुछ भी गए लेकिन एग्जाम में आपका आया तो इतनी बड़ी बात है। तो गाइस, अगर ईश्वर की इच्छा रही तो मैं 4-5 प्रैक्टिस आपका करवाऊंगा, सुबह में मैं 2-3 प्रैक्टिस आपका करवा दूंगा, ईश्वर चाहेंगे तो गाइस आपका एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताएंगे पहले जो सही हो जाएगा आपका, हो जाएगा फिल्म के क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती है, वही प्रश्न है इसके पहले जो पूछा गया था, क्या कहा गया था कि एक लड़की है लकड़ी के जो गाय जो होता है घड़ा उसके ऊपर रखती है 108 तेल लैंप है ना, ऐसा कुछ करके था, है ना, तो क्या हो जाएगा, तेल का दीपक रखती है, और कितना दीपक रखती है जानते हो, 108 गाय जी, अपने आप में बड़ी बात होती है, 108 राइट होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है, अल्पाइन देश कौन सा है, लाइक कर देना मित्र, मेहनत आपके लिए कर रहे हैं,
जो अल्पाइन देश है वो कौन सा है बताएंगे। बहुत बढ़िया, इटली जो है आपका अल्पाइन देश है, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। श्री रामनाथ कोविंद जो है ये भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, हालांकि अब तो है नहीं, ये थे कौन से बताएंगे। 78 कौन से थे, 14वें राष्ट्रपति थे। वर्तमान में गाइस वो बनी है 15वीं, कौन बनी है, महोदया द्रौपदी मुर्मू, ये गाइस बनी है वर्तमान में भारत की 15वीं राष्ट्रपति। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 79 का आंसर आप बताएंगे, सही हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1/3 भाग, कितने भैया, 1/3 भाग आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, हो जाएगा अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मित्र यहाँ पर मैंने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कवर कर लिए हैं, ठीक है, अब आपका अभी मैं कवर कर लेता हूँ इसी क्लास में दूसरा सेट, ताकि एक क्लास में 2 सेट मैं आपका कंप्लीट करवाऊँ, आपका टाइम भी बच जाए और आपका एग्जाम में 100% हेल्प भी मिल जाए। तो अब आइए हम दूसरे सेट की शुरुआत करते हैं, यानी दूसरा प्रैक्टिस सेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हैं आपके एग्जाम में जो आने के चांस बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन निवेदन है लाइक कर दो, गला बैठ रहा है ना आपके लाइक से गाइस, इसमें थोड़ी ऊर्जा आ जाएगी, तो प्लीज एक बार पहले लाइक कर दो सभी, और जो चैनल पे पहली बार है मैं सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सेट की तरफ, तो चलिए इसी में हम गाइस आपका दूसरा सेट ले लेते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट सेट है, ठीक है, ताकि आपकी क्लास थोड़ी लंबी हो जाए और आपके प्रश्न ज्यादा कवर हो जाए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया था, जल्दी से आंसर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो कौन सा कर फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया था, मेरे मित्र थोड़ा अगर आप तक आवाज गई हो तो समझ लीजिएगा चाय पी रहे हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, खराज एवं खुम्स, जजिया व जकात, सर्व या सिंचाई कर, ये जो है ना ये तीन के तीनों कर फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए थे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा ये सभी। अगला, 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात सबसे पहले किस आंदोलन में भाग लिया, यानी 1915 में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे भारत, तो उन्होंने सबसे पहले किस आंदोलन में भाग लिया बताएंगे, 22 नंबर का राइट आंसर गए चंपारण सत्याग्रह में, ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण जो है ये किसने करवाया था, खजुराहो में मंदिरों का निर्माण जो है किसने करवाया, किसने करवाया, बहुत बढ़िया, चंदेल वंश के राजाओं ने, किसने करवाया, चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो में मंदिर का निर्माण करवाया, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दक्षिण भारत में चोल राजवंश के संस्थापक कौन थे, दक्षिण भारत में चोल राजवंश के संस्थापक कौन थे, जल्दी से आंसर देंगे गाइस, यहां पर ना तो करिकाल थे, ना परांतक थे, ना राजा राज थे, इनमें से कोई नहीं आपका राइट होगा। किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेज को भारत में व्यापार करने एवं कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी, बताएंगे किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने एवं कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी, किसने दी थी गाइस, वो दी थी जहांगीर ने 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले गाइस अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति। अगला, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी, अब देखो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से, जब अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से आपसे शब्द कहा जाएगा तब आप कहेंगे अमेजन, जब सीधे सीधे आपसे कहा जाएगा विश्व की सबसे लंबी नदी तब आप कहेंगे नील, जब विश्व की सबसे लंबी कहा जाएगा तब आप कहेंगे नील, जब कहा जाएगा मेरे मित्र अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से तब आप कहेंगे अमेजन। कांगो जो भी गाइस ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कांगो या कहा जाए जायरे, बात एक ही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है, क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से आंसर देंगे हमारे सभी मित्र, राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, देखो कौन सा दर्रा गाइस, बनिहाल दर्रा, ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, देखो ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों को क्या कहा जाता है, गजब का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे, ग्रहों की गति बताने वाले नियमों को क्या कहा जाता है, बहुत बढ़िया, क्या कहा जाता है, कैप्लर का नियम, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समुद्र में ज्वार भाटे का कारण क्या है, समुद्र में ज्वार भाटे का क्या कारण है, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत बढ़िया, इसका गाइस चंद्रमा का आकर्षण और सूर्य का आकर्षण दोनों कारण है इसमें ज्वारभाटे का, राइट हो जाएगा ए और बी दोनों, जो भी मित्र प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। काटो जलाओ कृषि का मतलब क्या है,
काटो जलाओ कृषि, इसका मतलब क्या है? काटो जलाओ कृषि का मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब है गाइस झूम खेती। इसका मतलब यह है गाइस कि जैसे जंगल है, जंगल में गाइस जो पेड़ लगे हैं उनको पहले काट दिया जाता है, फिर वहाँ की जो भूमि होती है या गाइस वहाँ की जो झाली होती है या गाइस कहा जाए तो जो वहाँ की झाड़ियाँ होती हैं उसको पहले जला दिया जाता है, फिर वहाँ की जो भूमि है ये साफ़ हो जाती है। भूमि जब साफ़ हो जाती है तो वहाँ पर खेती की जाती है, उसे ही कहा जाता है झूम खेती। क्या कहा जाता है? झूम खेती। ठीक है, तो काटो जलाओ कृषि का मतलब क्या है? झूम खेती। आगे बढ़ते हैं अगला, 16 नंबर कहाँ गया? 16 नंबर शायद स्किप हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं। वित्तीय आयोग अपनी सिफारिशें जो है किसे सौंपता है? वित्तीय आयोग जो है ये अपनी सिफारिश किसे सौंपता है? क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी से आंसर देंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया मित्र, जो वित्तीय आयोग है ये अपनी सिफारिश जो है ये राष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारत का संविधान तैयार करने के लिए जो गठित संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे ये कौन थे? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची में किस विषय पर केंद्र एवं राज्य के बीच कानून में द्वंद्व होने की स्थिति में क्या होगा? अब इसका आंसर हम बताएंगे। 24 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? थोड़ा कठिन लग रहा होगा लेकिन ईजी बहुत है। केंद्र का कानूनी प्रभाव रहेगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला, कि प्रथम राज्यसभा का गठन जो है ये किस वर्ष हुआ? बताएंगे। प्रथम राज्यसभा का गठन जो है ये किस वर्ष हुआ? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। 25 का सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 1952 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वाहनों के पार्श्व दर्पण यानी पीछे के दर्पण या साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पहले स्थान दिया गया, फिर कहा गया प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित हैं। यानी गाइस कहा जाए तो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ जो है वो कौन सा है? आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा आर्थोपोडा। क्या हो जाएगा? आर्थोपोडा। ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, किसी भी वस्तु की विरामावस्था को डैश चाल की अवस्था माना जाता है। बताएंगे, किसी भी वस्तु की विरामावस्था को बढ़ती हुई चाल की अवस्था माना जाता है या कम होती हुई या विपरीत या शून्य? 28। देखो किसी भी वस्तु की विराम जो अवस्था है गाइस उसको हम शून्य चाल की अवस्था मानते हैं। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। यानी जब वो विराम रहेगी तो मतलब उसकी चाल शून्य रहेगी, तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। अस्पताल में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस होती है? अस्पताल में जैसे कोरोना काल में आपने देखा होगा बहुत सारा इसका उपयोग हुआ, तो जो अस्पताल में ऑक्सीजन नली होती है इसमें ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस होती है? 29 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा गाइस, ऑक्सीजन के साथ हीलियम होती है। कौन सी होती है? हीलियम। जो भी डियर यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी हीलियम बिल्कुल सही होगा। मधुमक्खियों का पालन जो है ये क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 30, मधुमक्खियों का पालन जो है ये क्या कहलाता है? मधुमक्खी को जो पालन है गाइस इसे हम एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीकल्चर। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश इसके लिए एक शब्द क्या होगा? हिंदी में आ गया क्वेश्चन है। देखो जो राज्य द्वारा गाइस आपका आधिकारिक आदेश निकाला जाता है उसे कहते हैं अध्यादेश। कहते हैं ना कि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश के अनुसार, या गाइस कहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश के अनुसार। तो अध्यादेश का मतलब क्या होता है? राज्य द्वारा जो गाइस आधिकारिक आदेश है ऑफिशियल ऑर्डर है इसका मतलब होता है आपका अध्यादेश। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्र आपका? ऑप्शन नंबर बी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन बी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य की पहचान करें। 37 का आंसर आपको बताना है, इसमें वाक्य शुद्ध कौन सा है? देखो, मैं तुमको कुछ कहता है, अरे भैया ये तो वैसे ही गलत है। मैं तुमको कुछ कहता है, अरे क्या सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन है आपका रॉन्ग। दूसरा देखो, मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली है, ये और गलत लग रहा है। तो मैं, पहली बात तो मैं, अरे भैया मैं नहीं मैं होता है, ये भी आपका गलत। प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाए, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी जो है ये आपका सही है। जो भी डियर प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यमुना का पर्याय नहीं है? अब ध्यान दीजिएगा, यमुना का पर्यायवाची नहीं है, आपसे पूछ रहा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। और हाँ, नहीं शब्द पूछा गया है।
श्यामा रवि सुता कालिंदी ये यमुना के पर्यायवाची हैं, जहानवी जो ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला, दशरथ सुत तिहुं लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? दशरथ सुत तिहुं लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ये किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? ये गाइस कबीरदास की। राइट हो जाएगा यहां पर आपका ऑप्शन बी, बेड़ा पार होना। मुहावरे का अर्थ क्या है? कहते हैं कि अगर आपने अजीजान शिद्दत के साथ तैयारी कर ली तो इस एग्ज़ाम में आपका बेड़ा पार हो जाएगा, यानी इस एग्ज़ाम में आप क्या हो जाओगे? सफल हो जाओगे, आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा? योजना में सफल होना, ये होता है बेड़ा पार का मतलब, परीक्षा में सफल होना। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने मित्र, मैंने बीच में आपके जो क्वेश्चंस थे जैसे पैसेज वगैरह वो सब मैंने स्किप कर दिए हैं। अगला देखो, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सबसे पहले आयोजन जो है ये कब हुआ? आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? सही हो जाएगा आपका 1896 में, यानी 1896 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल के शोक की नदी कही जाती है? बहुत बढ़िया, सुबह की शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तब आपने कहा था कोसी। हो सकता है कि कल सुबह की शिफ्ट में पूछ लिया जाए बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं। तो मित्र याद रखिएगा, दामोदर नदी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। राइट हो जाएगा भैया आपका ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी। जो भी बता रहे हैं मित्र यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी दामोदर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य की चीन के साथ उभय सीमा नहीं लगती? मतलब चीन के साथ सीमा जो है किस राज्य की नहीं लगती, ध्यान दो। जम्मू कश्मीर लगता है, सिक्किम लगता है, अरुणाचल प्रदेश लगता है, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश जो है इससे नहीं लगता है। ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत में आने वाला पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण जो है ये कब किया गया? भारत में अपना पहला परमाणु जो विस्फोट परीक्षण है ये कब किया गया? अब आवाज़ आप तक थोड़ी क्लियर जा रही होगी, चाय वगैरह पी ले हैं बहुत गाइस, थोड़ा सा एनर्जी मिल गया है। देखो, परमाणु विस्फोट परीक्षण जो ये कब किया गया? राइट हो जाएगा 1974 में, यानी 1974 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन थी? देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली जो पहली महिला थी ये कौन थी? ये गाइस आशा पूर्णा देवी थी। नाम क्या था इनका? आशा पूर्णा देवी। ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आशा पूर्णा देवी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि देखो गाइज अब आपका एग्जाम नज़दीक है, नज़दीक क्या गाइज आपके सामने ही है, तो अब मैं समय से आपकी कोई क्लास नहीं लेता हूँ। जैसे गाइज आपकी क्लास कंप्लीट होती है समय आपका शुरू हो जाता है, यानी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है क्लास का, और एग्जाम में टाइम ना देखा जाए तो ही बेहतर होता है, है ना। तो मित्र आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करेंगे। जो पैलेस ऑन व्हील है ये क्या है? पैलेस ऑन व्हील ये जो है गाइस ये राजस्थान की एक राजसी रेल यात्रा है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे, विश्व प्रसिद्ध सेरेगेंटी नेशनल पार्क और मसाई मारा नेशनल रिजर्व जो है ये किस महाद्वीप में है? 67 का आंसर आप बताएंगे। सही हो जाएगा आपका अफ्रीका महाद्वीप में, जिसे हम अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। राइट हो जाएगा डियर आपका ऑप्शन ए। निम्न में से कौन ब्रिक का सदस्य नहीं है? अब आपको ये बताना है कि ब्रिक का जो ब्रिक्स है गाइस इसका सदस्य कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, जल्दी से आंसर देंगे हमारे सभी भैया। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, ब्रिक का सदस्य नहीं है आपसे पूछा जा रहा है ना, यहाँ पर देखो रूस हो गया आपका, और जो अपना भारत है ये हो गया, ब्राज़ील है ये हो गया, ये सभी जो है ना ये क्या है गाइस, ये है ब्रिक के सदस्य, क्यूबा ब्रिक का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। राजीव गांधी की मृत्यु दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? राजीव गांधी की मृत्यु दिवस को किस रूप में मनाते हैं? राइट हो जाएगा आपका आतंकवाद विरोध दिवस में। किस रूप में? आतंकवाद विरोधी दिवस। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अब आतंकवादी विरोधी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है ये आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो मित्र यहाँ पर ये आपके सामने आंसर पीडीएफ के साथ मिल जाएगा। जो गाइज आपका एग्जाम हुआ है आज, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जाकर के देख लेना, आंसर की शेयर के साथ आपको मिलेगी। और हमारी मेहनत आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक करके ही जाना। जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि गाइज अभी थोड़ी देर बाद आपकी जो दूसरी सेट स्टार्ट हो उसका भी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो जो भी मित्र, जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब तो अभी के अभी कर लेंगे, ठीक है। और
जैसे ही क्लास अपलोड आपकी हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। एग्ज़ाम आपका बहुत बेहतर होगा। आज का एग्ज़ाम बहुत ही गजब हुआ है। कई सारे मित्रों ने हमारे पर मैसेज भी किया, बहुत ही अच्छा हुआ एग्ज़ाम सर, बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम हुआ। तो गाइस हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, एग्ज़ाम आपका बेहतर होगा। अब गाइस रात भर से लेकर के सुबह तक मैं आपका 4-5 प्रैक्टिस करवा दूंगा और 4-5 प्रैक्टिस में ईश्वर का अगर आशीर्वाद रहा तो गाइस 5-6 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। उसके पहले जो मैंने आपका करवाया था वो बात अलग है, लेकिन इसमें गाइस आपका 10 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया। अरे इतना प्रैक्टिस का मतलब होता है ना। अरे भैया 150-200 गाइस आपके प्रैक्टिस करवा दिए गए पूरे अगर आप देखो तो, और 150-200 अगर आपने पूरे देख लिए हैं ना, कुछ मतलब होता है उसका। अरे 150-200 वीडियो गाइस आधा आधे घंटे की मतलब हो गया ना, बहुत मतलब होता है। एग्जाम में आने के 100% चांस हो जाएंगे। तो बस गाइस अब आप तैयारी कीजिए और अभी हम थोड़ी देर बाद फिर से मिलते हैं आपके साथ। ठीक है, आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं मित्र, आप हमारी चिंता बिल्कुल ना कीजिए। ठीक है, और हम तो 2 दिन बाद गाइस अपना गला वाला सब कुछ सही कर लेंगे, 2 दिन रेस्ट कर लेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन 2 दिन बाद आपको एग्जाम देने का नहीं मिलेगा ना, इसीलिए हम आपके लिए पूरी जान शिद्दत लगा रहे हैं। मिलते हैं थोड़ी देर बाद एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।